बैक टू द वीडियो। तो यार स्वागत है आप सभी का मेरे इस पहले की उन्हें वीडियो में। तो यार थैंक यू सो मच आप लोगों की प्यार से 5K सब्सक्राइबर वाले कंप्लीट हो चुके हैं। यार जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियो में बोला था कि 5K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद एक क्यूने वाली वीडियो आएगी, तो उसमें आप लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे थे और कितने क्वेश्चन तो रिपीट भी थे। तो यार ये मेरे लाइफ का पहला क्यूने वीडियो है। तो यार शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रखा है विनम्र द क्यूबर ने, फर्स्ट ही कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर 4K सब्सक्राइबर, माई क्वेश्चन इज दैट आपको आइडिया कहाँ से आया ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का? यार ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का मेरा आइडिया ये था कि जो द यूपी जुडिशियल राइटर थे उनकी ब्लॉग देखता था मैं काफ़ी और अभी भी देखता हूँ, तो बस उनसे मेरे को इंस्पिरेशन मिला। तो फिर यार मैंने भी सोचा कि मेरे को भी ब्लॉगिंग करनी चाहिए और बस फिर कैमरा उठाया और चल दिया ब्लॉग बनाने के लिए। दूसरा क्वेश्चन पूछ रखा है ट्री क्रिएशन ने, आर यू नेपाली? तो भाई मैं नेपाली नहीं हूँ, मैं हूँ उत्तराखंड से और एक पहाड़ी बंदा हूँ। यार तीसरा क्वेश्चन पूछ रखा है तनिष्का चौरसिया ने, भाई आप कहाँ के रहने वाले हो? तो यार मैं उत्तराखंड अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से विलेज से बिलोंग करता हूँ जिसका नाम है सोमेश्वर। और बाकी पढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है कोबरा रिफ्लेक्स YT ने कि भाई आप कौन सा मोबाइल यूज़ करते हो? तो यार भाई मैं फ़िलहाल अभी करता हूँ रियलमी ब्यूटी मास्टर एडिशन और काफ़ी अच्छा फ़ोन है ब्लॉगिंग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है एक्स ट्रू लाइन मोटिवेटेड ने, आपके चैनल मोनेटाइज होने पर पहली अर्निंग कितनी हुई? फिर फिलहाल अभी चैनल मोनेटाइज हो रखा है, अभी कोई अर्निंग नहीं आ रखी है। उसने पूछ रखा है राकेश आर्य ने, कॉन्ग्रेचुलेशन सागर जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए, कीप इट अप। तो यार बस आप लोगों का प्यार बना रहा तो 1 लाख सब्सक्राइबर भी हमारे हो जाएंगे जल्दी ही। यार नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रखा है ब्लॉगर पवन सिंह भाई ने कि आप ब्लॉग किस गैजेट से शूट करते हो और एंड कैमरा फ्लिप कैसे करते हो फ्रंट से बैक व्यू के लिए? बस सिंपल है, पहले तो मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट इस तरीके से करता हूँ, अगर मेरे को फ्रंट का व्यू भी दिखाना है तो मैं फ़ोन को फ्लिप कर देता हूँ और बाकी एडिटिंग करते समय कुछ क्लिप होती है बस उनको एडजस्ट करना पड़ता है। यार जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है लाइफ टाइम एफर्ट में, भाई मोटो ब्लॉग भी करते रहो और फैमिली ब्लॉग भी, और मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई है। सर भाई मोटो ब्लॉगिंग का तो ये है कि मोटो ब्लॉगिंग में सबसे पहले सेटअप पूरा होना चाहिए आपके पास, क्योंकि अभी मेरे पास नहीं है। और सर फैमिली लोग भी आपको जल्दी देखने के लिए मिलेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन पूछ रखा है गौरव बोरा ने कि आपके फैमिली मेम्बर कितने हैं और उन सबका फेस रिवील कब करोगे? तो यार मेरी फैमिली जॉइंट फैमिली है और जब फैमिली लोग आएंगे उनके फेस रिवील हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है ज्ञानी भाई ने कि भाई आपकी क्या एज है? तो यार भाई मेरी एज अभी 18 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है भानु जोशी गेमिंग ने कि रोज़ ब्लॉग डारा कर भाई, वो भी फैमिली के साथ। सर वो डेली ब्लॉगिंग का ये है कि अभी मेरा फिलहाल स्कूल का भी चल रहा है तो मैं स्टडी पे भी फोकस है मेरा और बाकी फैमिली के साथ ब्लॉग तो आएंगे ऐसा ही बना रहा, तो डेली ब्लॉगिंग भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे विद फैमिली के साथ। ये क्वेश्चन पूछ रखा है फ्री फायर फैक्टर ने कि आपकी कोई GF है सच सच बताना है एंड कॉन्ग्रेचुलेशन 5K सब्सक्राइबर। तो यार भाई सबसे पहले तो थैंक यू सो मच 5K सब्सक्राइबर के लिए। और जो आपने पूछ रखा है कि GF है, यार भाई मेरी कोई भी GF नहीं है। ये क्वेश्चन पूछ रखा है बोरा इस फैमिली ने, तो सागर भाई मेरा आपका एक ही सवाल है, प्लीज़ मेरा सवाल जरूर लेना क्यों नहीं। मेरा सवाल यह है कि भैया आपके कितने GF हैं? वैसे मुझे पता है कौन है, लेकिन अब ऑडियंस को भी बताना पक्का, झूठ मत बोलना, फिर मैं भी बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। तो यार अब क्या ही बोलूँ, ये तो सीधे बोल दे रहे कि कितनी GF है। तो यार भाई मेरी कोई भी GF नहीं है और बाकी आप हो कौन पता लगा लूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है हाइपर गेमिंग ने कि ब्रो आपको एक्सो बाउंड और टॉप न्यूज़ बॉय ने रिएक्ट किया है? हाँ ब्रो मैंने देखी थी वीडियो, तो दो यूट्यूबर्स ने मेरे को रिएक्ट किया था, काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर थे उनके, तो यार मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है द आर्ट क्रिएटर रोनित ने, व्हाट इज़ योर एज एंड हु इज़ योर इंस्पिरेशन? तो यार मेरी एज है 18, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, और मेरे इंस्पिरेशन है द UP07 राइडर ब्लॉग्स जो कि अनुराग डोभाल के नाम से जाने जाते हैं, प्यार से बाबू ये भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है अनस खान ने कि भाई आप डेली राइड ब्लॉग्स कर सकते हैं, प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। यार भाई डेली राइडिंग ब्लॉग पे जो कुछ भी सेटअप होते हैं मतलब वो भी मेरे पास है नहीं, आप लोगों का प्यार बना रहा तो डेली राइड ब्लॉग भी आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है डॉन भाई ने, आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती है, तो यार थैंक यू सो मच अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो। यार बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये पूछ रखा है भावना बोरा ने कि भाई डेली ब्लॉग बनाया कर, डिफेंसर। फिर भाई डेली ब्लॉग का वही है कि नहीं हो पाता अभी, फिलहाल स्कूल भी है और बाकी बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती है डेली ब्लॉग के लिए, और बाकी करेंगे जल्दी डेली ब्लॉग, बस आप लोगों का प्यार बना रहा तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सके किरण दुसाद ने, और ये क्वेश्चन ये है कि स्टार्टिंग में कैसा लगता था जब व्लॉगिंग करते थे? कभी ऐसा नहीं लगा कि क्या सोच रहे हैं लोग, और कभी दोस्तों ने ये नहीं बोला कि भाई क्या कर रहा है ये सब? यार लोग तो बोलते रहते हैं, लोगों की कोई इतनी सुननी चाहिए, बट मेरे दोस्तों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। जैसे कि स्टार्टिंग में मेरा जो पहला ब्लॉग था, जो मैंने पहले ब्लॉग की स्टार्टिंग की थी, तो उस समय एक भाई था सच्चू, जो अभी हल्द्वानी में रहता है, तो उसने काफ़ी मतलब मेरे को एडिट करनी भी नहीं आती थी, तो उस भाई ने एडिट करना मेरे को सिखाया, और पहले की स्टार्टिंग के ब्लॉग उसी ने एडिट किए। तो यार उस भाई ने काफ़ी सपोर्ट किया, यही है। अगर दोस्तों ने मेरे को सपोर्ट नहीं किया था ना उस समय, तो अभी आज तक मैं अभी इधर भी नहीं होता। और बस सभी भाइयों को यही कहना चाहता हूँ कि दिल से धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया। तो यार बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये पूछ सका है हिमांशु जौनपुरी ने, ब्रो आप वीडियो एडिट किस ऐप से करते हो? यार वीडियो एडिट मैं करता हूँ काइन मास्टर से फिलहाल, और बाकी अच्छा ऐप है काइन मास्टर, काफ़ी अच्छी एडिटिंग होती है उससे। इंस्टाग्राम का पहला क्वेश्चन पूछ सका है मनीष भाई ने, कितना टाइम हो गया स्ट्रगल करते करते? तो यार स्ट्रगल करते करते 2 साल होने वाले हैं, और बीच में मैंने छोड़ दिया था कि मेरे को वहाँ पे लगा कि मेरा यूट्यूब ग्रो नहीं कर रहा, तो फिर मैंने बीच में फिर वही दोस्त लोगों ने बोला कि भाई तू कर ब्लॉगिंग, तू सही कर रहा है, लगे रहे, तो मैंने फिर से ब्लॉगिंग स्टार्ट की, और फिलहाल अब ठीक ठाक चल रहा है। तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है प्रभाकर पांडे ने कि आपने यूट्यूब चैनल कब स्टार्ट किया? यार भाई 2 साल होने वाले मेरे को यूट्यूब स्टार्ट करे हुए, और बाकी मेरा पहला ब्लॉग जो था वो दुनागिरी से स्टार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो काफ़ी फनी है, वो पूछ रखा है चंदन चंदू ने, वो कि सोमेश्वर के ही है, तो उनका क्वेश्चन आपको पढ़ाता हूँ। सर आप क्या लगाते हो जो आप इतने बाण ठहरे, और आपकी 10-10 जेब कैसी हुई? क्वेश्चन पूछ रखा है इन्होंने अपने ऊपर ही पूछ रखा है कि ये बंदा मतलब ऐसा है ना, सोमेश्वर में जब रहते थे तो सोमेश्वर ने कम से कम मेरे से कह रहे हैं कि 10-10 जेब लेके घूमते हो, और अपना इन्होंने 20-30 जेब तो सोमेश्वर की बनाई थी। यार मैंने सोचा है दिल्ली जाके सुधर जाएंगे, बट इन्होंने वहाँ जाके भी अपनी स्मार्टनेस से लड़की को फ्लैट करके रख रखा है, कब भी नहीं सुधरेगा ये भाई, कभी नहीं। यार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है द मुसाफिर 55 भाई ने, आपकी लाइफ में ऐसा कौन है जिसने तुम्हें बहुत सपोर्ट करा है फैमिली के बाद? प्लीज टेक माई क्वेश्चन। तो भाई फैमिली के बाद जिस भाई ने मेरे को सपोर्ट किया ना, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है, और उसका फेस आपने लोगों ने देखा ही है, उसका नाम है सच्चू। ये बंदे मेरे को हर एक छोटी से छोटी चीज़ों में मतलब कि कुछ भी हुआ है मेरे साथ हर टाइम रहा है, और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो यार थैंक यू सो मच भाई। यार कुल मिला के बात ऐसी है, अगर आपके पास अगर ऐसा दोस्त है तो आपको कोई चीज़ की टेंशन नहीं है बिल्कुल कि भाई मैं ये करने जा रहा हूँ, मतलब तुम फ्री माइंड से सब कुछ कर लोगे अगर तुम्हारे पास मेरे ऐसा दोस्त रहा तो। तो यार ये पूछ रखा है सागर भाई ने, जो कि अपना एक छोटा भाई है, भाई और मेहनत करते रहो, हम लोग हैं आपके साथ, आपको हर समय सपोर्ट करेंगे। तो यार थैंक यू सो मच भाई लोगों, बस आप लोगों का ही प्यार है, और बस यही था आज के Q&A में, और ये मेरा लाइफ का पहला Q&A था। तो यार आई होप आपको ये पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपको कुछ और कुछ भी पूछना है तो इंस्टाग्राम पे मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके पूछ सकते हैं, और जिसने मेरे को फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी जाके फॉलो कर लो।